नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 20 अगस्त 2024 की शाम 5:32 पर देवगुरु मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 28 नवंबर 2024 तक देवगुरु मंगल के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का और मंगल का संयोग भी बनने वाला है। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों, हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को प्रभावशाली और सबसे शुभकारी ग्रह माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार इनको देवताओं का भी गुरु माना जाता है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, नियम, संतान, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर देवगुरु का विशेष प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति की अवस्था यदि जन्म कुंडली में प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर प्रभावी हो, बलवान हो, तो करियर में सफलता मिलती है और व्यापार में उन्नति का सामना होता है। गुरु के बलवान होने पर जातक के जीवन में देखिए, सबसे पहले गुरु अगर प्रभावी होते हैं तो जातक को विपत्तियों में भी डालते हैं। उसके पश्चात जातक के अंदर आत्मज्ञान और सफलता की परिपूर्णता प्रदान करते हैं। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। यही देवगुरु अगर कुंडली में नीचस्थ अवस्था में यानी मकर राशि में या शनि राहु केतु के प्रभाव में यदि आ जाए तो वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है, संतान को लेकर कष्ट या संतान सुख में कमी बनी रहती है। गुरु के पीड़ित होने पर जातक के जीवन में थायराइड की समस्या, पेट की बीमारी, शरीर में असाध्य रोग, ऐसे रोग जिनका इलाज जल्दी संभव नहीं है, कैंसर तथा डायबिटीज की समस्या, ये सभी समस्याएं गुरु के पीड़ित होने पर शरीर में निकलकर सामने आती है। ऐसे में गुरु की अवस्था यदि जन्म कुंडली में नेगेटिव हो तो उपाय जरूर करना चाहिए, इससे काफी रिलीफ मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, ये जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों, देवगुरु 20 अगस्त 2024 को आपके नवम घर में यानी आपके भाग्य भाव में ये नक्षत्र का बदलाव करने वाले हैं और चूंकि मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल आपके पराक्रम भाव और आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि देखिए आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपके लगन पर पड़ने वाली है। सातवीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के भाग्य भाव पर जाने वाली है, आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है। और देखिए, नवम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के संतान भाव पर जाने वाली है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार का बदलाव और प्रभावशाली प्रभाव आपको जीवन में मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में मंगल के साथ संयोग गुरु का कर्म क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह और मनोबल आपको देने वाला है।
यानी कन्या राशि के ऐसे जातक जो अपने मन में व्यर्थ का भ्रम या व्यर्थ का तनाव अपने मन में आप महसूस कर रहे हैं, या इस समयावधि में आपके आत्मबल में यानी आपके मनोबल की कमी यदि किसी प्रकार से बनी हुई है, तो कन्या राशि वाले जातकों का मनोबल और आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। देवगुरु की मौजूदगी आपके नवम घर में रहने वाली है, तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। जैसे इस समयावधि में आप पवित्र नदियों में स्नान के लिए जा सकते हैं और इस समयावधि में तीर्थाटन यानी तीर्थ स्थल पर भी जाने की अवसर आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में गुरु मंगल का जो संयोग है वो आपको अचानक और बड़ी सफलता का योग बनाने वाला है। यानी कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में इस समयावधि में विशेष रूप से काम करने वाले हैं और आपको मान सम्मान वर्क प्लेस पर जरूर मिलेगा। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके व्यक्तित्व में काफी आकर्षण रहने वाला है और आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा करियर में उन्नति की ओर बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में गुरु का संबंध जो है वो आपके पंचम घर से भी बनने वाला है। एजुकेशन सेक्टर में जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, तो शिक्षा के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में परीक्षा प्रतियोगिता में शुभता मिलने वाली है और गुरु आपके नवम घर में विराजित हैं, इसलिए इस समयावधि में कन्या राशि के ऐसे जातक जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और यहां पर कन्या राशि वाले जातकों, देखिए देव गुरु जो हैं वो मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं और आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को काफी हद तक वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मकता मिलने वाली है। हालांकि आपके वैवाहिक भाव में राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है, ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को समन्वय जरूर बनाकर चलना चाहिए। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद और विवाद इस समयावधि में आपके जीवन में जब तक राहु का प्रभाव है वो आपको मिलता रहेगा, तो यहां पर आपको इस समयावधि में वाणी पर भी संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में है तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता इस समयावधि में आपको ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभकारी परिणाम आपको देने वाला है। और उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए, देखिये बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गायों की सेवा करते हैं, गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं और पीली चीजों का यदि आप दान करते हैं, चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पीले पकवान, इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में प्रबल शुभता आपको मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।